हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे NS 200 के बारे में, जो BS6 आने वाला है, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या प्राइस होने वाला है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, गियर इंडिकेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सब कुछ ओवरऑल बात कर लेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, बट मैं उसमें कन्फर्म नहीं था कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी इस बाइक के अंदर। बट आज की जो वीडियो है उसमें आप लोगों को लॉन्च डेट से लेकर ऑलमोस्ट जो जो फीचर्स ऐड हो सकते हैं उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। NS 200 वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक, एक नेकेड स्ट्रीट बाइक, अगर आप लोगों को थोड़ा कम दाम में लेनी है, मीन्स ड्यूक 200 पे ना जाके आप इस पे लेना चाहें तो आपको अच्छा इजीली मिल जाती है। आप लोगों को इस बाइक के अंदर 199 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। आपको अभी तक इस बाइक के अंदर कार्बोरेटर सिस्टम मिलता था, और जो कि आप लोगों की मांग थी कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन दिया जाए। तो बेसिकली एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि बजाज ने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि वो अपनी जितनी भी बाइक्स अब लेकर आने वाला है इंडियन मार्केट में, वो ऑलमोस्ट आपको FI ही मिलेंगी इंडिया के अंदर जितनी भी हैं, चाहे वो 125 से लेके हो या फिर डोमिनार तक, आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। 200 इसमें आप लोगों को 23 BHP का पावर मिलता है और 18.3 Nm का टॉर्क, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इस बाइक का। अगर आप टॉप स्पीड में देखें तो ये RS को भी और ड्यूक 200 को भी बीट कर देती है टॉप स्पीड के मुकाबले में। फीचर्स की बात अगर कर ली जाए तो आप लोगों को इसमें अभी तक सिंगल चैनल ABS मिलता था, बट अब आपको डुअल चैनल मिलेगा, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम आ जाएगा इस बाइक के अंदर, न्यू कलर स्कीम्स मिलेंगी, गियर इंडिकेटर मिल जाएंगे, LED हेडलैम्प मिल जाएंगे, और न्यू कलर स्कीम, न्यू ग्राफिक्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। बट अगर इस प्राइस रेंज में आप लोगों को ये चाहोगे कि यार 7,000-5,000 रुपये ही बढ़े, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर इस बाइक का प्राइस बढ़ेगा तो लगभग आप लोगों को 10,000-15,000 रुपये तक बढ़ सकता है। वैसे बजाज ऐसा चाहेगी नहीं, बजाज चाहेगी कि कम से कम में करे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, अगर ये फीचर्स आपको मिलेंगे तो इतना पैसा तो बढ़ना जायज़ है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के ये भी कमेंट है आए हैं मेरे पास कि भाई इसको आउटडेटेड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कुछ अपडेट मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को अपडेट मिलने वाला है कुछ, ये सेम टू सेम वैसी होने वाली है जैसी आपकी पुरानी NS 200 आती है। अगर चेंजेस होंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि बजाज ऐसा करेगी। प्राइस लगभग आप लोगों को 1,14,000 के आसपास में पड़ती है ये बाइक एक्स शोरूम दिल्ली, तो आप लोग लगा सकते हो कि 10,000-15,000 रुपये इसमें बढ़ सकते हैं। और जो लॉन्च डेट है, वो लॉन्च डेट आप लोगों को ये बाइक, एक मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो कि बजाज के उसमें काम करते हैं एज अ मैनेजर, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये बाइक की उनके पास न्यूज़ आ गई है, और ये फरवरी के किसी भी मंथ में आप लोगों को ये बाइक मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में बताया था, इस बाइक का कोई भी मतलब उतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को साइलेंटली बजाज के किसी भी शोरूम में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मतलब आपको कोई भी इतना अच्छा सा, जैसे लाइक होंडा ने अपनी बाइक को शोकेस करके बताया कि वो लॉन्च कर रही है, चाहे FZ ने, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बस शांति से बिल्कुल साइलेंटली आप लोगों को शोरूम्स में देखने को मिल जाएंगी। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं, और मैं होप करूंगा बजाज से कि यार वो गियर इंडिकेटर लेकर आए और सच्ची अपने जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसे चेंज करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया और बाइक में भी कुछ अपडेट मेरे को चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करती है कंपनी, क्या नहीं। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के ऊपर बाइक वीडियो चाहिए हो BS6 इंजन के रिलेटेड या किसी भी बाइक के, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।